हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग? फेस मेरे पीछे आप देख रहे हो रोनी 225 ऑरेंज कलर में, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। आज उसके डिटेल वॉकराउंड रिव्यू करने वाले हैं। सो प्राइसिंग वगैरह, एग्जॉस्ट साउंड वगैरह वो सब सुनाने वाला हूँ। तो चलिए इस प्राइसिंग को आपको बताई दूंगा, एग्जॉस्ट साउंड सुना दूंगा। तो करते वीडियो को स्टार्ट और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चले गए स्टार्ट करते हैं इस की से। की देख सकते हो बीच में जो है भाई, इसकी जो DRL ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ लोगो बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। इसमें जो वेव की मिलती है और सेम जो है आपको इसकी लाइक अपाचे सीरीज है उनमें भी सेम ही की मिलती है, और हंटर 350 में भी वही मिलती है। मेरे को पता है इस वीडियो के नीचे सबसे ज़्यादा कमेंट यही होंगे कि भाई हंटर 350 ले या फिर ये ले, आपका जो है वो डाउट भी आज क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले अपन जो इसका एक पूरा रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद में एक वीडियो डालूंगा मैं लाइक हंटर और इसके बारे में कि आपको ये लेनी चाहिए, हंटर लेनी चाहिए। तो फिलहाल तो आप ये वीडियो एंजॉय करो। हाँ, कुछ कुछ बातें करेंगे हंटर के साथ में लाइक इस वीडियो के बीच में भी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं की से। वेव की की को जो है इंसर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे जो अपनी की लग जाती है, फ्रंट पोर्शन ऑलमोस्ट हंटर जैसा है, उसकी भी हेडलाइट नीचे जाके, और यहाँ पे जो है मीटर है, बट इसमें जो बीच में कुछ ज़्यादा ही स्पेस दे दिया है, हंटर में इतना नहीं है, ठीक है, वो सब चीज़ें। बाकी ये सबसे पहले आप इसकी DRL चेक करो। यहाँ पे LED DRL मिल जाती है, हेडलैम्प जो है हाई बीम लो बीम दोनों LED में है। ये जो आपको प्लास्टिक का पार्ट मिलेगा, ये भी प्लास्टिक का पार्ट है, ठीक है। तो ये ड्यूअल कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा। LED इंडिकेटर्स हैं जो कि देख सकते हो, हेलोजन में आपको नहीं मिलते, LED में मिलेंगे, जो कि आई थिंक एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। बाकी हिसाब बताना, तो यहाँ पे जो है इस आपको USD सस्पेंशन मिलेंगे येलो कलर में, लाइक गोल्डन कलर में, येलो नहीं सॉरी गोल्डन कलर में। उसके बाद यहाँ पे अपने को मेटल में जो है इसका मडगार्ड मिल जाता है ड्यूअल फिनिश में, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। उसके बाद ड्यूअल चैनल ABS, काफ़ी बड़ा डिस्क है लगभग 300 mm का। यहाँ पे जो है कुछ फिनिशिंग दे रखी है, ब्रेक कैलिपर्स वगैरह अपने, ठीक है। डायमंड कट जो है व्हील्स आपको मिलते हैं कुछ इस तरीके से। जो टायर साइज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 110 है या फिर 100 है, वो चीज़ यहाँ पे कंफर्म करनी पड़ेगी मेरे को। तो यहाँ पे जो है 110 सेक्शन का टायर आपको मिलता है। सो 110 सेक्शन का फ्रंट में टायर है, और व्हील का डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल बुलेट जैसा है। मेरे को लगता है ये व्हील जो है ना इन्होंने रॉयल इनफील्ड से उठाया है, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि इन्होंने कुछ नया देने की ट्राई की है, तो उस वजह से जो है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इन्होंने लॉन्च किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिंगल हॉर्न यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऑयल कूलर जो लाइक इसका है ऑयल कूलिंग सिस्टम, वो जो है यहाँ पे रेडिएटर आपको मिल जाएगा। तो चलिए साइड में चलते हैं, साइड प्रोफाइल में देखते हैं जाके क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अपने को 225 cc का इंजन मिलता है, जो कि लगभग 19.8 PS की पावर देता है एंड 20 Nm के अराउंड जो है टॉर्क देता है अपने को। 5 स्पीड का गियरबॉक्स है, लिक्विड कूलिंग नहीं है, ऑयल कूलिंग है, जो कि आप आगे रेडिएटर देख ही सकते हो। ये जो इसका कैटलेटिक कन्वर्टर है एग्जॉस्ट का, यहाँ पे जो है काफ़ी स्पोर्टी सा जो है इंजन कवर मिल जाता है, लाइक कंपनी फिटेड है, आपको अलग से कोई इंजन कवर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो अपने को रियर ब्रेकिंग मिल जाती है, फुटरेस्ट मिल जाता है फ्रंट, और TVS जो है यहाँ पे डायमंड कट में लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे भी डायमंड कट फिनिश आपको देखने को मिलेगी, एंड यहाँ पे जो है अलग से वेंट्स टाइप जो है देखने को मिल जाएंगे। टैंक अपने को मिल जाता है काफ़ी शानदार। यहाँ पे TVS का जो है 3D लोगो मिल जाएगा हॉर्स का, और ये जो पैटर्न है ना कलर का, ये भी काफ़ी अच्छा दिया है इसमें। लगभग आई थिंक 12 या 13 लीटर का जो है टैंक आपके इसमें मिलता है, इसमें जो है टैंक काफ़ी बड़ा है। बाकी जो है रियल जो टैंक साइज है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद में इस यहाँ पे साइड पैनल पे जो है ड्यूअल टोन प्लस जो है रोनिन 3D में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है प्लास्टिक का यूज़, यहाँ पे प्लास्टिक, यहाँ पे प्लास्टिक, ये मेटल नहीं है, प्लास्टिक ही है, आपको लग रहा होगा लाइक मेटल, बट मेटल नहीं है, प्लास्टिक का यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच मिल जाती है। उसके बाद में जो है ये आपको रियर लाइक फुटरेस्ट मिलता है, जो कि रबड़ का यूज़ किया गया है यहाँ पे भी। उसके बाद में यहाँ पर एग्जॉस्ट मिल जाता है, काफ़ी बड़ा दिखने में, काफ़ी बड़ा लगता है। पीछे की साइड में जो है आपको लगभग आई थिंक 130 सेक्शन का टायर मिल जाता है, अभी जो है कन्फर्म कर देता हूँ। तो 130 सेक्शन का पीछे टायर मिलेगा, पीछे जो है ABS है डिस्क के पीछे, ऑलमोस्ट 240 mm का आई थिंक, तो काफ़ी बड़ा डिस्क है, और जो ABS है वो भी आपको पीछे मिल जाएगा। तो ड्यूअल चैनल ABS हो गया। पीछे जो LED टेल लाइट है, जो कि ऑन कर लेते हैं एक बार बाइक को, LED टेल लाइट है काफ़ी सुंदर, और LED इंडिकेटर्स, ये जो है मेटल का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो है आपको TVS का लोगो, मेटल में ग्रैब रेल, सिंगल सीट, काफ़ी कंफर्टेबल दिखने वाली सीट है, प्रीमियम भी दिख रही है। यहाँ पे जो है वाइट आपको जो है कॉम्बिनेशन मिलेगा स्ट्रेचेस का। उसके बाद में जो है सही दिख रही है, मतलब सीट कंफर्टेबल भी है और कुशनिंग भी जो है सॉफ्ट है। बाकी जो भी सेंटर कंसोल पे चलूँ तो वो दिखा देता हूँ, उससे पहले जो है साइड स्टैंड वगैरह आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको इस बाइक में मिल जाएगा,
मतलब जब बाइक गियर में होगी और साइड स्टैंड लगा होगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। पीछे जो है आपको सेंटर स्टैंड भी मिल जाएगा, ठीक है, और एक केसिंग मिल जाती है यहाँ पे पूरी प्लास्टिक की इसकी चेन के चारों तरफ, और यहाँ पे जो अपने को साड़ी गार्ड मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बाइक में मिल जाएगी। ये जो अपना टैंक का ढक्कन हो गया भाई, उसके बाद में ये अपना मीटर, काफ़ी प्रीमियम देख सकते हो, तो काफ़ी प्रीमियम से यहाँ पे आपको मीटर मिल जाता है, पूरा LED डिजिटल मीटर। यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स दिए गए हैं चारों तरफ, न्यूट्रल, इंजन लाइट इंडिकेटर लेफ्ट का, पेट्रोल लो फ्यूल वार्निंग, साइड स्टैंड ABS एंड राइट इंडिकेटर। यहाँ पे जो है आपको बीच में हाई बीम की आ जाएगी पासिंग लाइट वाली, ठीक है। उसके बाद में मीटर की बात करूँ तो यहाँ पे ऊपर RPM मीटर है, बीच में स्पीडोमीटर है, यहाँ पे टाइमिंग है, यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी भी जो है सारा लाइक फीचर आपको दिखे, क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ का लोगो है। यहाँ पे एवरेज स्पीड वगैरह लाइक आप वो सेट कर सकते हो, साइड में बटन वगैरह दिए हैं। यहाँ पे ओडोमीटर, ट्रिप है, ट्रिप बी, डेट ना डिस्टेंस टू एम्प्टी, सॉरी मतलब कितने चलेगी बचे हुए फ्यूल में, तो फिलहाल ये 0 दिखा रहा है क्योंकि इसमें फ्यूल कम है, तो यहाँ पे फ्यूल लेवल शो करता है। यहाँ पे जो अर्बन मोड प्लस जो है यहाँ पे बटन मिल जाता है आपको चेंज करने का, रेन मोड, अर्बन मोड, दो मोड आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, प्लस जो है गियर इंडिकेटर यहाँ पे शो कर देगा। तो ये सारी डिटेल्स है इस बाइक के मीटर कंसोल में, बाकी नॉर्मल सारे बटन्स हैं, एडजस्टेबल जो आपको लीवर्स मिल जाएंगे दोनों ही, ये भी दोनों ही जो है एडजस्टेबल लीवर आपको मिल जाएंगे, और जो स्टेयरिंग है लाइक जो हैंडल है वो भी नॉर्मल रखा गया है। जो पोजिशनिंग आती है निकल के वो अच्छी खासी आती है, ऐसा नहीं है कि यार बेकार पोजिशन है, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, बढ़िया पोजिशन निकल के आती है। यहाँ पे जो है मोड चेंज करने का, यहाँ पे हैजार्ड का बटन है जिसको बंद कर देते हैं। अभी जो साउंड मैं आपको सुनाता हूँ कि इसकी साउंड कैसी है, तो साउंड तो काफ़ी अच्छी है, लाइक काफ़ी बेसी साउंड निकल के आती है, तो ठीक है। लेकिन अब साउंड की मैं एक चीज़ बता देता हूँ भाई, हंटर की साउंड मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है कंपेयरिंग टू रोनिन। अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में कंपेरिजन करूँगा दोनों ही बाइक्स का, तो वो आप देख लेना। बाकी फिलहाल इस बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो 2,03,000 जो है इसकी ऑन रोड प्राइस निकल के आती है। गुड़गांव में सिमरन TVS पे आप लोग विजिट कर सकते हो, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो है 2,03,000 ऑन रोड। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी हेडलैम्प वगैरह, तो यहाँ पे आई थिंक इसकी हेडलैम्प ऐसे काम नहीं करती, स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये देखो, तो ये है इसकी हेडलैम्प, हाई बीम लो बीम दोनों ही जो है आपको LED में मिलती है, और काफ़ी ज़बरदस्त ब्राइटनेस आपको मिलती है नाइट के टाइम में। तो ये था इस आज का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू अपनी ऑल न्यू रोनिन 225 जो कि फाइनली स्टॉक में आ चुकी है। वो देखो भाई खड़ी है काफ़ी सारी, तो आप लोग आओ विजिट करो सिमरन TVS, आपको जो है बाइक देखने को मिल जाएगी। बाकी जो है मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी बाइक, और जो प्राइसिंग है वो 2,00,000 रुपये कुछ है इसकी, 2,03,000, तो 2,00,000 ही मान लो, मतलब 2,00,000 तक आपको बाइक मिल रही है रोनिन 225। तो इससे बेस्ट क्या ही बोल सकता हूँ, क्योंकि ये बाइक जो है ना आपको लाइक स्मार्ट फीचर्स तो देती है, उसी के साथ में कोई कमी नहीं है, कहीं हैलोजन का यूज़ नहीं है, LED हेडलैम्प, LED इंडिकेटर्स, उसी के साथ में फुली डिजिटल मीटर कंसोल है, स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी है, USD सस्पेंशन आपको मिल रहा है, ड्यूअल चैनल ABS है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसको काफ़ी बेहतर बना देते हैं। तो चलिए गाइस, ये तो कुछ आज की वीडियो में, कोई भी डाउट्स हो नीचे कमेंट करो। बाकी मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।